हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कम्पिटिशन्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 26 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने देश के संबोधन में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, इसके अलावा यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, हमारा ये करंट अफेयर्स जीके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ है। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। किस दिन दोनों तेलुगु राज्य कौन कौन से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष दिवस उगाड़ी मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 मार्च को, ऑप्शन बी 25 मार्च को, ऑप्शन सी 27 मार्च को, ऑप्शन डी 29 मार्च को। दोस्तों, उगाड़ी भारत में तेलुगु और कन्नड़ समुदायों के द्वारा मनाए जाने वाला चंद्र नववर्ष का दिन है। उगाड़ी इस बार चैत्र की पहले दिन यानी कि चैत्र नवरात्र जब स्टार्ट होते हैं उसके पहले दिन मनाया जाता है। तो नववर्ष जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के अनुसार चैत्र स्टार्टिंग को नववर्ष माना जाता है। तो इस बार जो नववर्ष आया हुआ है 25 मार्च को, तो इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन बी 25 मार्च। उगाड़ी की बात की जाए तो उगाड़ी की तारीख 12वीं शताब्दी के चंद्रमा की स्थिति की गणना पर निर्धारित की जाती है और उगाड़ी की शुरुआत वसंत विषु के बाद आने वाली अमावस्या को होती है। उगाड़ी जो है उसको महाराष्ट्र समेत भारत के अन्य हिस्सों में इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। और इस त्यौहार जो ये त्यौहार है गुड़ी पड़वा या उगाड़ी, इसके बारे में पौराणिक कथा है कि इसी भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, यानी कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जताई है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कहा है कि भारत को इस समय कुछ अहम फैसले लेने की जरूरत है। इसके बावजूद भी भारत में मौजूदा संकट को आर्थिक संकट नहीं कहा जा सकता। मौजूदा संकट जो चल रहा है वो कोरोना वायरस महामारी का चल रहा है। अपनी नीतियों से भारत ने भले ही लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की है, लेकिन फिर भी सरकार को कुछ मजबूत आर्थिक फैसले लेने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेंबरनेस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांसलैंटिक स्लेव ट्रेड अर्थात गुलामी का शिकार लोगों और खरीदे या बेचे गए गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 मार्च को, ऑप्शन बी 24 मार्च को, ऑप्शन सी 25 मार्च को, ऑप्शन डी 26 मार्च को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 मार्च को। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य आज नस्लवाद और पक्षपात के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन उन लोगों को सम्मानित करने और याद करने के लिए मनाया जाता है जो क्रूर गुलामी व्यवस्थाओं के चलते प्रताड़ित किए गए और मारे गए थे। इस वर्ष गुलामी का शिकार लोगों और खरीदे या बेचे गए गुलामों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो था 2020, उसकी थीम थी कन्फ्रंटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिम टुगेदर। इसकी शुरुआत
जो ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण ने 2007 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूहों के लिए विभाग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों राज्य स्वयं सहायता समूह करने वाला के लिए विभाग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है ओडिशा, और यह विभाग महिलाओं के विकास के लिए बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है? ऑप्शन ए 21 दिन, ऑप्शन बी 25 दिन, ऑप्शन सी 31 दिन, ऑप्शन डी 45 दिन। साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी पर एक सप्ताह के भीतर राष्ट्र के नाम अपना दूसरा संबोधन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण की गंभीरता को समझने और अपने घरों में रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है कि देशव्यापी लॉकडाउन रखा जाए, यानी कि सारा कुछ बंद किया जाए, और यह बंद का समय दिया है 21 दिन कि 21 दिन में हम कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ लेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्नलिखित में से किसे भारत में वॉलमार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित मिश्रा, ऑप्शन बी समीर अग्रवाल, ऑप्शन सी समीर पांडे और ऑप्शन डी शक्तिकांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समीर अग्रवाल को भारत में वॉलमार्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया है। समीर अग्रवाल 1 अप्रैल 2020 से क्रिस अय्यर के स्थान पर CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। वॉलमार्ट इंडिया के CEO का कामकाज संभालने के बाद समीर अग्रवाल रिटेलर में डिजिटल और ओमनी चैनल सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वर्तमान में वॉलमार्ट इंडिया भारत में 28 बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी स्टोर्स का संचालन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ऑप्शन बी एल्कोरेमेसिन, ऑप्शन सी कोलोहाइड्रोपिन और ऑप्शन डी टेट्रामाइसिन। दोस्तों ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मानना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा कोरोना के लिए कारगर है, इफेक्टिव है। यह कोरोना के मरीजों के उपयोग के लिए बहुत आवश्यक है। इस दवा का उपयोग करके कुछ हद तक कोरोना वायरस के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि एक्स्ट्राडिशन ट्रेटी पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी बेल्जियम। साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बेल्जियम। भारत और बेल्जियम के मध्य होने जा रही यह संधि नई संधि स्वतंत्रता पूर्व वर्ष 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के मध्य हुई संधि का स्थान लेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत पर भी लागू हो गई थी। इस संधि के मुताबिक प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्पण की सहमति प्रदान करता है जो उसके देश के सीमा क्षेत्र में प्रत्यर्पण अपराध का आरोपी है या उसे सजा दी जा चुकी है। प्रत्यर्पण का जो अपराध है उसका अर्थ क्या होता है? ऐसे अपराध से है जो दोनों देशों के कानूनों के अंतर्गत दंडनीय हो और जिसमें 1 वर्ष के कारावास अथवा अधिक कड़े दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। ऑप्शन ए डॉक्टर के वशिष्ठ, ऑप्शन बी डॉक्टर वी के पॉल, ऑप्शन सी डॉक्टर अनिल कुमार और ऑप्शन डी डॉक्टर के अग्रवाल। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी जिसने कि विकराल रूप ले लिया है, दिन प्रतिदिन इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नीति आयोग ने एक सदस्य के अंडर में एक समिति गठित की है 21 सदस्यों वाली, जिसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर वी के पाल को। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वी के पाल। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला COVID-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? ऑप्शन ए 7 हिल्स अस्पताल, ऑप्शन बी फोर्टिस अस्पताल, ऑप्शन सी कोहिनूर अस्पताल और ऑप्शन डी ग्लोबल अस्पताल। दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन ने भारत का पहला 100 बेड वाला COVID-19 कोरोना वायरस सेंटर बनाया है। यह जो सेंटर है वह 7 हिल्स अस्पताल मुंबई में है, जिसमें हर तरह की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 हिल्स अस्पताल। रिलायंस फाउंडेशन ने इस सेंटर को देश में बढ़ते हुए COVID-19 कोरोना वायरस 19 के मामलों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फंड में सहायता के लिए 5 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था हमारा करंट अफेयर्स जीके। हमारा जीके आपको अच्छा लगेगा, एक बार पढ़े जरूर, पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही काम के लिए है। और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने साथियों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटा जरूर दबा दें। घंटा दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, डेली का डेली नोटिफिकेशन, जो भी हम अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना वायरस महामारी से बचें। आपका दिन शुभ हो।